सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वैभव शर्मा, इंटर्न एट लेक्सिस एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून एंड करंटली परस्यूइंग माय डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून। सो आज की पार्ट वन की वीडियो में हमने बात की थी डिग्री के बारे में कि डिग्री क्या होती है, डिग्री के कुछ प्रोविजन्स के बारे में हमने बात की थी, हमने कंक्लूजन डिटर्मिनेशन के बारे में हमने बात की थी, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री के बारे में बात की थी, हमने कुछ केस भी स्टडी किए थे पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो पार्ट टू के अंदर, आज के दूसरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कि आखिर एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, जिसे एडवांस बेल भी कहा जाता है। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि उन केसेस में बेल देना जहाँ जो पर्सन की अरेस्ट है वो एंटीसिपेटेड हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया और उसे लग रहा है कि उस ऑफेंस के तहत उसे जेल हो सकती है, तो उस केस में वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करवा सकता है कोर्ट से। लेकिन कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो जो है बेल है, वो एंटीसिपेटरी बेल है, वो कोर्ट दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं। तो सीआरपीसी का सेक्शन 438 हमें ये प्रोवाइड कराता है कि एंटीसिपेटरी बेल की पावर देता है इस सिटीज़न को। इफ़ द एंटीसिपेटरी बेल इज़ इशूड देन द अरेस्टेड पर्सन उसे तुरंत इन केस अगर किसी एंटीसिपेटरी बेल किसी पर्सन को ग्रांट कर दी गई है, तो उस केस में जो पर्सन है उसे तुरंत ही रिहा कर दिया जाएगा जेल से। लेकिन यहाँ एक नोट करने की बात है कि अगर उस किसी पर्सन ने जो एंटीसिपेटरी बेल की जो अप्लीकेशन है वो अरेस्ट होने के बाद दी है, तो उस केस में उसकी एंटीसिपेटरी बेल है वो खारिज कर दी जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल हमेशा अरेस्ट से पहले का प्रोसेस होता है, पहले डिमांड की जाती है, पहले ग्रांट करवाई जाती है कोर्ट से। अरेस्ट होने के बाद हम एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकते, तभी इस बेल को एडवांस बेल भी कहा जाता है। तो जो सेक्शन 438 है, जो सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, उसमें कुछ एसेंशियल्स और कुछ सिचुएशंस भी दी गई है, कुछ ग्राउंड्स कह सकते हैं हम दिए गए हैं जिनके बिहाफ पे आप एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करवा सकते हैं, जिनमें से पहला है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। तो जो पर्सन है वो जो अप्लीकेशन लगा रहा है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, उसके पास एक वैलिड अप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए इस अरेस्ट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास एक रीज़न होना चाहिए, दैट ही मस्ट हैव ए रीज़न टू प्रूव दैट ए कोर्ट कैन बिलीव दैट द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज़ फॉल्स, वो फॉल्स केस के एलिगेशंस लगे हैं उसके ऊपर, ये कोर्ट को बिलीव होना चाहिए, इसलिए उसके उसके लिए एक रीज़नेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होना ज़रूरी है अप्लीकेशन के साथ। सेकेंड केस में अगर बात करें तो जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो बेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर तो जो बेल है वो पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर ही ग्रांट कर देता है, उसके लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उन्हीं ऑफेंसेस के लिए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है। एंटीसिपेटरी बेल है वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन एक पहले एक कार्रवाई होती है कि पहले हमें सेशन कोर्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, अगर वहाँ से वो खारिज हो जाती है तो हम उसे चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल देते टाइम कोर्ट कुछ बातों का ध्यान रखता है, वो ध्यान रखता है कि आपके प्रीवियस आपका कैरेक्टर क्या रहा है, आपके पर्सनल डिटेल्स क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका हिस्ट्री क्या है, और जो ऑफेंस आपने किया है वो भी देखता है कि वो कुछ ज़्यादा हीनियस क्राइम तो नहीं है,
या कुछ बड़ा कोई रेप केस या फिर ऐसा कुछ केस तो नहीं है। ऐसे केस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाती अगर आपका कैरेक्टर खराब निकला, आपका हिस्ट्री आपकी खराब निकली कि आपको पहले भी 2-3 बार जेल हो चुकी है या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो उस केस में आपको बेल नहीं मिल सकती। कुछ कंडीशंस भी होती है, अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है उसके बाद में आपके ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती है जब तक कि वो केस पूरी तरह सॉल्व ना हो जाए। उनमें से पहला ये है कि आपको कोऑपरेट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जब भी पुलिस ऑफिसर या कोर्ट आपको बुलाए तो आपको हाजिर होना पड़ता है वहाँ पे, आपको थाने में हाजिर होना पड़ता है, आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती है, और अगर आप इन कंडीशंस को वॉयलेट करते हैं ऐसे केस में आपकी जो एंटिसिपेटरी बेल है उसे भी कोर्ट खारिज कर सकता है। एंटिसिपेटरी बेल जो है वो पहले नहीं थी इस कोर्ट के अंदर, उसे 41st ऑफ लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद में इसे ऐड किया गया था सीआरपीसी में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था दैट कि किसी नॉन गिल्टी पर्सन को, किसी नॉन गिल्टी पर्सन को किसी फॉल्स केस के अंदर सज़ा ना हो जाए, फॉल्स केस में अरेस्ट ना हो जाए, जेल ना हो जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था, एक इम्पोर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं एंटिसिपेटरी बेल के को लाने के लिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।